माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक संघ के लोगों ने एनटी कॉलेज अर्दली बाजार के प्रांगण में दिया धरना प्रदर्शन। शिक्षक महासभा जनपद इकाई के नेतृत्व में प्रदेश आह्वान पर विभिन्न विद्यालयों में कार्य कर रहे शिक्षकों के आपदा राहत कोष से कोविड-19 महामारी में विद्यालय बंद होने के कारण किसी भी प्रकार शिक्षकों को वेतन प्राप्त नहीं हो रहा था, इसलिए प्रदेश स्तर पर माध्यमिक वित्त विहीन शिक्षक महासंघ ने शिक्षकों को सरकार से मदद दिलाने हेतु शिक्षक बचाओ आंदोलन के क्रम में आज वाराणसी के शिक्षकों ने जिला विद्यालय निरीक्षक वाराणसी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री को नामित ज्ञापन सौंपा और अपनी मांगों को पूर्ण करने की मांग की। आपका परिचय? मैं डॉक्टर कृष्ण मोहन यादव, माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा प्रदेश महासचिव। किस बात का धरना प्रदर्शन? आज हम सब उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा में जिस तरह से दोहरा व्यवहार किया जा रहा है वित्तहीन शिक्षकों के साथ, तो हमारे प्रदेश संगठन के नेतृत्व पर या उनके आह्वान पर आज हम उन शिक्षकों के लिए इस माध्यमिक वित्तहीन शिक्षक महासभा के जनपद इकाई वाराणसी के नेतृत्व में जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय वाराणसी पर हम उन शिक्षकों को इस आपदा काल में उन्हें आर्थिक सहायता के लिए सरकार से प्रति शिक्षक 15,000 रुपये मानदेय देने के लिए आज हम सब ज्ञापन देने का काम करेंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी को ज्ञापन दिया जाएगा। ये हाँ बताए, मांगे पूरी ना होती तो अगला स्टेप? मांगे नहीं पूरी होगी, हमारे शिक्षक इससे बड़ा से बड़ा आंदोलन करने के लिए तैयार हैं और ये शिक्षक जो है निश्चित रूप से सरकार को बनाने का काम किए थे और उसी अनुरूप से इससे ये शिक्षक जो है सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। 2022 में हम सब जो है शिक्षक मिल करके सरकार को हम हटाने का काम करेंगे। जो शिक्षक जो है हमेशा सड़कों पर उतर कर सरकार को हमेशा आगाह करते आए हैं, यदि सरकार ने इनको ध्यान नहीं दिया समय रहते, ये शिक्षक निश्चित रूप से सरकार का विरोध करेंगे और उसे हटाने का काम करेंगे। जो धरना चल रहा है ये कितने दिन का है? ये एक दिवसीय धरना है, पूरे प्रदेश स्तर पर चल रहा है। ये हम सब जो है बलिया से अपने वाराणसी कॉन्स्टिट्यूएंसी का शुरू किए हैं 18 अगस्त से और आज उसी क्रम में जनपद वाराणसी में चल रहा है 6वां दिन और हम सब आगे भदोही और जौनपुर भी 1 तारीख तक समापन करेंगे। और इस धरने के माध्यम से हम सरकार को संदेश देना चाहते हैं कि शिक्षक इस महामारी में बिल्कुल पीड़ित है और उसको आज सहायता की जरूरत है। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि सरकार इन शिक्षकों के साथ खड़ा रहने का काम करेगी। अभी हम लोग जो है जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में सामने बैठे हैं। हमारा 1:30 बजे जो है संबोधन होगा, उसके बाद जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय आएंगे और हमारे ज्ञापन को लेंगे और वह माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय शिक्षा मंत्री जी को भेजने का काम करेंगे। हॉट न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए।